15-20 बर्फ, 15-20 गाड़ी चली गई है, हमारे दर्शन में बहुत ज्यादा हो रही है बर्फ। देखो भाई साहब, आप अगर मेरी जगह पहुंचते आपको पता चल जाता किस तरह से ठंडा आ रहा है। मैंने हार मान ली। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ब्लॉग कैसे में शूट हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है गाइस फाइनली। सो यार मैं तो जा रहा हूँ अभी हिमालय दर्शन को गाइस, क्योंकि यहाँ ऐसी पहाड़ियाँ तो वहाँ तो और गजब होगा। और गाइस इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे सब बताता हूँ, पहले थोड़ा आगे पहुँचता हूँ। तो यार गाइस मतलब इतनी खुशी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है बट ठंडा भी हो रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे तो। सो गाइस बात करते हैं मेन बात, पहले तो इतने दिन से ब्लॉग नहीं आते क्योंकि गाइस मैं था गाँव में, मंडे को हम लोग यहाँ आ गए थे। सो इस वजह से मेरे से ब्लॉग बने नहीं, गाँव में मैं डेली ब्लॉग कर रहा था इसलिए 2-3 दिन छूट गए, 4 दिन छूटी है। अभी थोड़ा आगे पहुँच गया बट यार गाइस खुशी हो रही इतनी ज़्यादा, देख सकता हूँ मतलब मस्त स्नोफॉल हो रहा है। पता नहीं आप अच्छे से देख पा रहे होगे नहीं देख पा रहे होगे बट यार स्नोफॉल हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि ठंडा हो रहा है वैसे भी। फटाफट थोड़ा आगे पहुँचता हूँ, हिमाचल दर्शन जाता हूँ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा भर रही होगी। और यार गाइस बर्फ देखो भाई साहब, वाह यार मुँह पे भी आ रहे गाइस गजब तरीके से, बट खुशी अलग ही है गाइस। ऐसे बर्फ मैंने आपको दिखाई है बट मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ ताजी ताजी आसमान से आती हुई बर्फ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, उससे फटाफट जा रहा हूँ। सो गाइस ऊपर रास्ते तो पहुँच गया हूँ, स्नोफॉल इतने तेज आ रहा है मुँह पे भाई, बोला भी नहीं आँख में घुस रहा सीधे, इतना तेज आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस। अभी स्नोफॉल हो रहा है ना ताज़ा ताज़ा, इतनी गाड़ी जा रही है मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी जा रही है अभी स्नोफॉल देखने जा रहे था। वैसे मैं भी आया अकेला हूँ बट अगर मेरे साथ भी कोई आया होता तो मैं चाइना पिक चल जाता पक्का, चाइना पिक से और मस्त दिखता, सब मुंह पे आ रहा है गाइस इतना मस्त। अगर आप यहाँ पे होते तो आप फील करवाते इसको बढ़िया तरीके से, वीडियो में कुछ इतना बढ़िया दिखता नहीं है बट जो रियल फीलिंग होती है वो आके ही पता चलती है। ये जो दाने आ रहे हैं ना गाइस आपको दिख रहे हैं क्योंकि कैमरे पे पड़ रहे, जब ये मुंह पे पड़ रहे हैं ना यार अलग डाउन जा रही। अभी कितने लोग चाइना पिक को जा रहे हैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो। तो गाइस फटाफट चलते हैं, हाँ थक गया आप तो। सो अभी थोड़ा ऊपर पहुंच चुका हूँ गाइस, इसके साथ थोड़ी बारिश भी आ रही है हल्की बहुत देख सकते हो। बट यार गाइस नज़ारा इतना जबरदस्त है, जो मजा आ रहा है यार, ठंडा अपनी तरफ है बट सही बता रहा हूँ मजा बहुत आ रहा है। पीछे पे एक मैगी पॉइंट है, यहाँ पे ज्यादातर धूप धूप में खुलता है मतलब ठंडा इतना ज्यादा उनके क्या गाइस, अभी हिमाचल दर्शन में पहुंचा भी नहीं हूँ बट स्नोफॉल की तो बात ही अलग है। 15-20 बर्फ, 15-20 गाड़ी चली गई गाइस, सब जा रहे हिमालय दर्शन साइड की, इतनी तेज पड़ी है। जिम में डाल लेता हूँ हाथ, अब दोनों हाथ काम नहीं कर रहे बट ब्लॉगिंग जरूरी है। मजा फुल आ रहा है गाइस, ऐसी बात नहीं है कि ठंडा हो रहा है, ठंडा बहुत हो रहा है लेकिन जो मजा आ रहा है ना वो भाई अलग लेवल का है। गाइस अभी हिमालय दर्शन में पहुंच चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे भी, अभी भी अभी तो पड़ी रही है बस, कल तक और बढ़ जाएगी। तो आज भी चलेंगे, अभी आपको दिखा पता था किस टाइप की बर्फ आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस जम भी गई है पूरी। तो यार गाइस हिमालय दर्शन में भी बहुत ज्यादा हो रही है बर्फ, लेकिन थोड़ा आगे तो चलते हैं जहाँ पे मेन पॉइंट है, वहाँ पे जहाँ पे ज्यादा पड़ती है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं किस टाइप से पड़ रही है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा है देख सकते हो, भीड़ भी देख सकते हो भाई। हाथों में दर्द हो क्या गाइस, हम ब्लॉग पूरा बना के चाहेंगे कुछ भी हो जाए, हाथ में दर्द हो पैर में दर्द हो ब्लॉग पूरा बनेगा गाइस। गाइस अभी पहुंच चुका हूँ सत्यनारायण यहाँ पे और यहाँ पे तो बड़ा जम भी चुकी है थोड़ी बहुत, देख रहे हो गाइस मन कर रहा है इसको हाथ से उठाऊँ बट सही बता रहा हूँ हिम्मत नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ठंडा और लग गया यार मेरे तो अलग डाउन हो गया। तो यार गाइस अभी पहुँच चुका हूँ जहाँ पे यही है हिमालय दर्शन से मस्त, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है नैनीताल में, मतलब यार अभी तो घर में जैसे बूंदाबांदी होती है वैसी बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन यहाँ भाई ऐसा लग रहा कब से पड़ी होगी देख लो, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था बर्फ स्नोफॉल। तो यार गाइस देख सकते हो बर्फ़ किस तरह से पड़ रही है। तो गाइस इस बर्फ़ के लिए और इस ठंडे के लिए और इस व्यू पॉइंट के लिए लाइक कर देना गाइस, मेरी तो हालत डाउन होगी, हंसी दिख रही है ना गाइस तो आपको, ये फेक है अभी सही बता रहे हैं फेक है,
क्योंकि हंस के हंस रहा हूँ ब्लॉग बना रही है, लेकिन ठंडे के मारे रोना आ रहा है अभी तो। देख सकते हो गाइस कितने लोग तो अभी यहाँ पहुँच भी गए हैं उससे पहले बर्फ में एंजॉय करने, बैठे में पहुँच गया हूँ इस जगह में। देखो गाइस गाइस बर्फ और तेज हो गई है, बट इतना मज़ा आ रहा है और मज़े के साथ ठंडा भी बढ़ते आ रहा है, 10-10-20 करके अब 90 तक हो गया है ठंडा। भाई साहब देखो एक बार भाई, तो अभी पड़ रही है गाइस ताज़ी ताज़ी, स्नोफॉल हो रहा है, मस्त बर्फ पड़ रहा है। पता नहीं आपको किस तरह से वीडियो दिख रही होगी, बट बर्फ तो बहुत तेज पड़ रही है अभी गाइस। देख सकते हो यार कैसा सफेद हो गया पूरा, अभी बर्फ स्टार्ट ही होते हैं, मतलब 30 या 25 मिनट हो रूंगे गाइस, अभी मतलब स्टार्ट हुई थी और 10 मिनट मुझे लगेंगे और अभी से इतना जम गया। देख सकते हो आप कैसा सफेद हो गया। गाइस ये है कुछ जो पहाड़ी है अभी बर्फ फिलहाल तो इस टाइप से है, आगे तो खैर मुझे पता है आगे मिलेगी नहीं बर्फ, क्योंकि ये है और एक हिमालय दर्शन है ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे नॉर्मल बर्फ पड़ती है तो वहाँ तब तक सफेद हो जाता है। इससे आगे गाइस मैं कह रहा था इससे आगे तो एक किलोवरी है, एक किलोवरी में पड़ती है, 3 पॉइंट है गाइस मेन मेन, एक हिमालय दर्शन और एक यहाँ पे हो गया तो मेरे पीछे और एक किलोवरी, इन जगहों पर पड़ती है ज़्यादातर गाइस बर्फ। आगे जाके तो मुझे पता है आगे तो कोई फायदा मुझे होने वाला है नहीं, तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको था। इस जगह पे देखो गाइस पूरा सफेद हो गया यार, मतलब गाइस आप इस जगह पे देख सकते हो पूरा सफेद हो गया, मतलब यार फिर सोच भी नहीं सकता कि अभी 5-10 मिनट पहले बर्फ पड़ थी और अभी इतना तो सफेद हो गया यार। तो ये है यार गाइस नैनीताल की खूबसूरती, धूप आती है तो रात को बर्फ पड़ जाती है, तो ये है कुछ थोड़ा सा गाइस थोड़ा ऊपर से चलता है, ऊपर से दिखाता हूँ किस टाइप से व्यू आ रहा है नीचे का शॉर्टकट। गाइस ऊपर से तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, बड़ा मस्त दिख रहा है, लेकिन देख सकते हैं बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है, अभी ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, भैया लोग वो लोग आ रखे हैं बढ़िया अपने स्नोफॉल इंजॉय करने, मैं आ रहा हूँ ब्लॉग बनाने। सो यार गाइस ये कुछ पड़ रही है अभी बर्फ, ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल हो रहा है बढ़िया। सो यार गाइस सही बता रहा हूँ अब तो मेरी हिम्मत है नहीं आगे मैं ब्लॉग बना सकूँ या आगे को जा सकूँ, क्योंकि मेरे हाथ अब तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, सही बता रहा हूँ मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब आपको पता नहीं कैसा लगा होगा गाइस ब्लॉग, अब तो मैं घर पर जा रहा हूँ, तो पहले घर चलते एक थंबनेल के लिए फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि खींच डालता है नहीं ऐसे ही खींचता हूँ। यही थी कुछ बर्फ जो हिमालय दर्शन के ऊपर भी पड़ती है, सो अब तो जा रहा हूँ घर को, क्योंकि अब मैंने हार मान ली है, अब मैं थोड़ा नीचे बहुत को गाइस हिमायत मतलब सत्यनारायण मंदिर का बहुत वहीं पर करूँगा बढ़िया तरीके से ब्लॉग है, नीचे को चलते पहले। अरे देखो गाइस कितनी ज़्यादा आने लगी सब भाई, सब टूरिस्ट हैं। सो गाइस अब मैं थोड़े नीचे पे पहुँच गया हूँ, सो बस यार गाइस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। देखो मैंने दिखाया, मैं जितना दिखा सकता था मैंने पूरा दिखाया आपको, सही बता रहा हूँ मैं और दिखा देता लेकिन मेरी हालत डाउन हो गई गाइस, आप अगर मेरी जगह पहुँचे आपको पता चल जाता किस तरह से ठंडा आ रहा है, फिर मैंने इतना बना दिया, बस आपके लिए कैसा है आप जरूर बताना कमेंट में। तो ये था गाइस कुछ, अगर शायद मेरे हाथ पास में कुछ हुआ नहीं होता, मतलब ठंडा ज़्यादा नहीं हुआ होता तो मैं और ज़्यादा बनाने की कोशिश करता, बट अभी तो इतना बन गया है। तो अब जा रहा हूँ गाइस घर को, सब लोग आ गए हैं ब्लॉग ये इन्जॉय करने टूरिस्ट लोग। सो इस ब्लॉग को मैं ही पाइन करता हूँ गाइस, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग करी, 3-4 दिन हो गए थे ब्लॉगिंग करा और ब्लॉग आया था अपने स्नोफॉल का ही आया, अगर कल तक ये बर्फ़ जम जाएगी तो हम कल और बना देंगे, कल और आ जाऊँगा गाइस मैं ब्लॉग बनाने इस साइड को, देख सकते हो बहुत लोग आ रखे हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस ऐसी नई नई ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।